हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है। आप लोग हैं टेक्सेल यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे 1 साल के लिए फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन लिया जा सकता है। पहली बात मैं यह क्लियर कर दूं कि मैं फ्री चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहाँ, लेकिन ये सिर्फ बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिगनर्स हैं इस फील्ड में और जो लोग रुपये खर्च करना नहीं चाहते अभी इतना डेवलपमेंट पे कि 1 साल की जो कॉस्ट होती है शायद 1500-2000 रुपये की होती है, तो इतना खर्च करना नहीं चाहते हैं और वो सिर्फ एक बेसिक सी ये सब चाह रहे हैं ताकि वो लोग वेबसाइट बना सकें, देख सकें कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग 1 साल के लिए फ्री होस्टिंग लेंगे, फ्री डोमेन लेंगे और मैं आपको वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करके दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊँ कि कैसे वेबसाइट बनाई जा सकती है, जैसे मैंने एक फ्री वेबसाइट बनाई थी अपने लिए, तो वो दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, एक फ्री वेबसाइट बनाई है, बिल्कुल इस पर मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, जो भी खर्च हुआ नेट खर्च हुआ कुछ हुआ कुछ नहीं खर्च हुआ, ये मैंने बिल्कुल फ्री वेबसाइट बनाई थी। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोग को सिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया आया हूँ यूट्यूब पर तो मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना एक ब्राउज़र खोलिए और ब्राउज़र में सर्च किए freenom.com, freenom.com, और यहाँ एक वेबसाइट आ जाएगी। देखिए लोड हो रहा है, freenom.com, तो ये है। यहाँ आपको जो भी अपना वेबसाइट चाहिए उसका नाम लिखिए ताकि यहाँ एविजिबिलिटी पता चल जाए, आपकी वेबसाइट जो आप नाम चाह रहे हैं वो मिल सकता ही है। नहीं, जैसे मैं टाइप करूँगा टेक सेल, ठीक है, टेक सेल देखते हैं मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। जी हाँ, टेक सेल अवेलेबल है। तो देखिए मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जो फ्री जो डोमेन्स मिलते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं जिसे कहते हैं .com, .net, .org, .biz, .info, ये सारे TDLs होते हैं, इन सबको TDLs कहा जाता है। जो प्रीमियम होते हैं जैसे .com, .net, ये सब आपको रुपीस में ही मिलेंगे, मतलब इसको आपको खरीदना पड़ेगा। जो फ्री होते हैं वो इस टाइप के मिलेंगे, जैसे आपको .tk, .ml, .ga, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े नाम के नहीं होते, दो दो वर्ड के होते हैं .tk, .ml, .ga, तो ये सही रहता है। तो जैसे मैं यहाँ गेट इट नाउ पे, जैसे मुझे .txel.tk चाहिए तो मैं इस पर गेट इट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और सेलेक्टेड, नाउ क्लिक ऑन चेकआउट। तो अभी ये शॉपिंग कार्ट खोल रहा है और यहाँ देखिए, यहाँ जो पीरियड लिखा है, पीरियड के नीचे 3 मंथ एड फ्री लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए और वहाँ 12 मंथ को सेलेक्ट कर दीजिए और ओपन कंटिन्यू। और ये खुल गया, देखिए texel.tk क्या है, जीरो टोटल ड्यू, ठीक है, तो 00 है। अब क्या करना है, अब अगर आप लोग तो अगर इस वेबसाइट पर नए आए हैं तो इस वेबसाइट को यहाँ आप एंटर ईमेल डाल दिएगा, यहाँ जो भी आपका है यहाँ अपना ईमेल डाल दिएगा, वेरीफाई कर दिएगा, ठीक है। और जबकि मेरा अकाउंट है तो मैं ये लॉगिन कर, लॉगिन, और यहाँ मैं अपना लॉगिन डिटेल्स डाल देता हूँ और यहाँ पासवर्ड, यहाँ लॉगिन कर दिया हमने और यहाँ आया है चेकआउट। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग, इस ट्यूटोरियल में हम लोग होस्टिंग अलग जगह से ले रहे हैं और डोमेन अलग जगह से, तो दोनों को कनेक्ट करना होगा तो उसमें भी टाइम जाएगा, तो ये वीडियो अराउंड 18-20 मिनट की हो जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे करना तो जी, यहाँ आई हैव ग्रीड टू एग्री,
वीडियो आपकी डिटेल आएगी भर दिएगा और आई हैव वेट एंड एग्री टू द टर्म्स कंडीशन देन क्लिक ऑन कंप्लीट ऑर्डर और लोड हो रहा है जी हाँ देखिए आ गया ऑर्डर कंफर्मेशन थैंक यू फॉर योर ऑर्डर यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली और योर ऑर्डर नंबर इज दिस 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 ठीक है आप अपने ईमेल में जाकर देखते हैं कि कुछ आया जब तक ये हो रहा है तब तक कंफर्मेशन आ रहा है तब तक हम लोग क्या करेंगे एक वेबसाइट है जहाँ पे हम होस्टिंग लेंगे वो वेबसाइट है triple0webmail.com। अब मैं इन दोनों वेबसाइट को स्पॉन्सरशिप नहीं ली है मैंने इन दोनों वेबसाइट से ना ही फ्री लोन से ना ही triple0webmail.com से तो अगर आप लोग चाहें जहाँ से आपको फ्री डोमेन मिलता है आप वहाँ से ले सकते हैं जहाँ आपको फ्री होस्टिंग मिल रही है वहाँ से ले सकते हैं ये मैंने इसीलिए क्योंकि मैंने यहीं से बनाई है नाउ क्लिक ऑन फ्री साइन अप फॉर फ्री इट बुक मी फ्री यस सो वी विल टेक फ्री इंटरनेट मेरा बहुत बेकार चल रहा है जियो फाइव है और यहाँ सिग्नल नहीं आते हैं है तो ये जो साइड में सिंपल सा फॉर्म है इस फॉर्म को फिल तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को फिल कर दिए यहाँ देखो मैं डाल रहा हूँ बहुत सारी वेबसाइट तो textchannel@gmail.com या मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ ना और वेबसाइट हम लोग बनाएंगे जैसे कि तो मैं textchannel.tk के नाम से वेबसाइट बनाऊंगा तो मैंने यहाँ textchannel डाल दिया देखिए जैसे यहाँ triple0webhost.com आ रहा है लेकिन इसको डिलीट करने के लिए जब हम डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा ये हट जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आगे जाके तो यहाँ भी नहीं बस क्लिक ऑन गेट फ्री होस्टिंग मिलेगा फ्री वेबसाइट मिलेगी जानी चाहिए और यहाँ कहेगा कि अपनी वेबसाइट को कंफर्म करो ईमेल आईडी कंफर्म करो कंफर्मेशन आ नहीं रहा है तो वेटिंग ईमेल कंफर्मेशन यहाँ कुछ आया है आ गया verify my email so email verify ho raha hai fir tick laga jayega ki your email has been verified dekhiye ho gaya ab iske baad jo hamara step hoga wo ye karenge ki ye jo website hai hamari alag naam se hai to isko hum log change kar denge अभी जो है textchannel.triple0.blah blah blah कुछ ऐसे फालतू सा होगा तो अब हम उसको textchannel.tk जो हमने क्लाइंट उसमें फ्री नोम से खरीदा था इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है तो ध्यान से देखिए तो क्या करना है सबसे पहले आपको सेट वेब एड्रेस पे जाना है और सेट वेब एड्रेस पे क्लिक कीजिए और ये जो ब्लर एरिया है फिट कर दिए तो ये हट जाएगा ठीक है लास्ट में जाइए और लास्ट में आएगा कि ऐड डोमेन यहाँ क्लिक कर देना पार्ट डोमेन ठीक है तो नेक्स्ट ये आएगा अपना डोमेन डालिए अब डोमेन हम क्या डालेंगे क्लाइंट एरिया पर जाइए जो आपने वेबसाइट में स्क्रीन ऊपर और वहां क्लिक कीजिए माय डोमेन्स वहां आएगा मैनेजमेंट डोमेन का तो मैनेज डोमेन
मैनेज डोमेन पर क्लिक कीजिए और यहाँ है मैनेजमेंट टूल्स, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आएगा नेम सर्वर्स, नेम सर्वर्स पर यूज कस्टम नेम सर्वर्स, और जो नेम सर्वर्स है वैसे आपको ये नेट पे आप सर्च कर सकते हैं या फिर जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है उससे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसका जो नेम सर्वर है 000webhosting.com का, इसका है ns01.000webhosting.com, दो हैं इसके, तो दोनों डाल दिए। और ये ध्यान रखिए यूज कस्टम नेम सर्वर्स पे आप क्लिक कर चुके हैं, क्लिक ऑन चेंज नेम सर्वर्स, और मैनेज इन texel.tk चेंज सेव सक्सेसफुली। नाउ क्लिक ऑन माय डोमेन जो आपने करा था, और यहाँ जो आपने डोमेन बनाया है वो texel.tk, देन क्लिक ऑन पार्क डोमेन। अब वो चेक करेगा कि क्या दोनों लिंक्ड है, और अगर लिंक्ड होंगे तो वहाँ हमारा राइट लग जाएगा, तो हमारी वेबसाइट जो texel.tk है वो इस नाम से बन गई, डोमेन हैज बीन पार्क्ड। ठीक है, सो हमारी वेबसाइट पार्क हो चुकी है। अब मैं आपको देखिए पार्क लिखा है, अब यहाँ मैनेज पे क्लिक कीजिए, लिंक वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, और texel आई वॉन्ट टू यूज सब डोमेन पे बिल्कुल मत क्लिक कीजिएगा, बस डायरेक्ट कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और हो गया। अब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग देख सकें कि आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने वेबसाइट तो बनाई नहीं, तो अब जाते हैं क्लिक ऑन बिल्ड वेबसाइट, और यहाँ देखिए यहाँ लिखा तो है texel.000webhostapp.com, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं, जो पार्क डोमेन हमने किया है ये वही है। तो यहाँ बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट बिजनेस है वो, अगर यही वाली चीज़ें यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। एडमिन में यहाँ मैं डाल देता हूँ texel, ठीक है, पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ, और जो URL है यहाँ जो हमने अभी बनाया तो texel और इंस्टॉल, ठीक है, और देखिए और नीचे इंस्टॉल हो रहा है, और थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड, और देखिए ये अपलोड हो रहा है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि फ्री की चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मैं बार बार कह रहा हूँ जो वेबसाइट अभी स्टार्टिंग में बनाना चाह रहे हैं, और इसलिए मैं इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही हो जाएगा हम नए टैब पर texel.tk वेबसाइट खोल देंगे और वीडियो ख़त्म हो जाएगी, टाइम से बनेगी 14-15 मिनट में खत्म हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊं कि कैसे इस तरीके की वेबसाइट आप बना सकते हैं, तो उस टाइप की अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरे बहुत ज़रूरत है मुझे प्लीज़, क्योंकि यूट्यूब ने तो निकाल ही दिया है कि 10,000 सब्सक्राइबर ज़रूरी हैं नए चैनल पे, वो सॉरी 10,000 लाइक ज़रूरी है और व्यू ज़रूरी है, मुझे क्लियर नहीं है, तो जो भी है प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। अब जो आपने एक पैनल आया था अगर आपको याद हो जहाँ एडमिन और पासवर्ड डाला था, वो यही डालना है जो मैं यहाँ डालूंगा texel, या अपना पासवर्ड डालूंगा, ये वो पासवर्ड और यूजर नेम है जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम डाला था। तो लॉगिन, देखिए हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल गया है, ऊपर अगर आप लोग URL में देख सकते हैं texel.tk है ये 000webhost, और इतनी बड़ी सी साइट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मैं अपनी वेबसाइट दिखा दूँ तो जो 1770 HTML है उसको जो वर्डप्रेस है
वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये वेबसाइट हेलो वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज जस्ट, और ये हम लोगों ने वेबसाइट बना दी है और बस इतना ही है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं पूरी वेबसाइट बनाने का आपको ट्यूटोरियल बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरी पीछे वाली वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको देखिए, उसमें भी थोड़ी बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए गुड बाय, स्टे कनेक्टेड।